और औरंगाबाद जैसा स्मार्ट सिटी कोई नहीं था। औरंगाबाद सिटी आज स्मार्ट बनाने जा रहे हैं, उस टाइम पे भी मैंने मेरा स्टेटमेंट दिया था जब ये लोगों ने शुरू किया था स्मार्ट सिटी का नारा। मैंने कहा ये बेवकूफ बनाने की बातें बंद करो, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी 400 साल पहले था, जब से स्मार्ट है और आज तक वो स्मार्टनेस जो है तुम लोगों ने खत्म की हुई है। क्यों? तो यहाँ पर मलिक अंबर का जो नहर मलिक अंबर ने जो नहर अंबरी का काम शुरू किया और यहाँ पर जो पानी का जो सिस्टम था 400 साल पहले, शहर के हर कोने में 24 घंटे एकदम साफ पानी घरों में। आज यहाँ पर आपके पास में एंशियंट टेंपल्स भी पुराने हैं, गोबा ये बेगमपुरा में जाइए वहां का मंदिर देखिए, खड़गेश्वर का मंदिर देखिए, कई सारे यहाँ पे 400 साल पुराने मंदिर है, मछली खड़क का ये भी पुराना एंशियंट मंदिर है। और देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। अभी ये रीजन के लिए अगर आप ढूंढते बैठेंगे तो ये खजाना है, आप जितना इसकी एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको उससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। और ये रीजन जो है हेरिटेज में कल्चर में बड़ा रिच है और किसी टाइम पे ये हिंदुस्तान की राजधानी कहलाती थी। तो इसलिए आप आज हमको जो ये बैकवर्ड बैकवर्ड बोलते, हम बैकवर्ड नहीं थे और औरंगाबाद जैसा स्मार्ट सिटी कोई नहीं था। औरंगाबाद सिटी आज स्मार्ट बनाने जा रहे हैं, उस टाइम पे भी मैंने मेरा स्टेटमेंट दिया था जब ये लोगों ने शुरू किया था स्मार्ट सिटी का नारा। मैंने कहा ये बेवकूफ बनाने की बातें बंद करो, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी 400 साल पहले था, जब से स्मार्ट है और आज तक वो स्मार्टनेस जो है तुम लोगों ने खत्म की हुई है। क्यों? तो यहाँ पर मलिक अंबर का जो नहर मलिक अंबर ने जो नहर अंबरी का काम शुरू किया और यहाँ पर जो पानी का जो सिस्टम था 400 साल पहले, शहर के हर कोने में 24 घंटे एकदम साफ पानी घरों में मिलता था नहरें अंबरी के थ्रू। आज इतने हम एडवांस हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, दुनिया भर के फंड्स हो गए, आज हमको हफ्ते में एक दिन पानी मिलता है। कई बार हमारी पाइपलाइन टूट जाती है, रास्ते में ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे उस 400 साल पहले कभी एक दिन कहीं से कोई लीकेज का आवाज नहीं आई, ना कभी कोई बो आई पानी में। आज भी वो सिस्टम में वो पानी अगर आप देखते हैं एकदम क्लियर पानी है, जो आपके टैप वाटर से ज्यादा क्लियर। तो ऐसे जो हमारा हेरिटेज है इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। ये हर एक चीज अगर खत्म होती जाएगी, ये हमारा कल्चर है और हेरिटेज है और हमारी पहचान ही है। वर्ल्ड से लोग आके स्टडी करते थे कि बगैर इलेक्ट्रिसिटी, बगैर पंप्स, बगैर पुलिस, बगैर मोटर्स ये पानी जाता और पंप होता कैसे। ये इतना बड़ा यहाँ का पंचक्की का जो है वहां पे लंगर चलता था, इसके ऊपर चक्की से आटा पीसा जाता था और उसपे कई लोग खाना खाते थे, आटा पीसे जाते था। तो तब ये सारा जो सिस्टम है एक यूनिक वो है, ये वर्ल्ड में आपने कहीं देखा नहीं होगा और ये चीज दोबारा बनाना इम्पॉसिबल है। तो आज जो है एग्जिस्टिंग इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है और जनरल पब्लिक में इसका अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम करना बस हो गया, आज हम जिस लैंड को बिलोंग करते हैं इसे संतों की भूमि है बोलते हैं, पैठन का आप जो बोल रहे हैं ये वलियों की भूमि है। तो ये हर एक उसका रिलीजियस टूरिज्म भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म भी बहुत बड़ा है, मगर लोगों का ध्यान उधर रही नहीं, यहाँ के पॉलिटिशियंस ने लोगों को गुमराह करके रखा हुआ है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ के जो पोटेंशियल है, यहाँ के जितने भी टेम्पल्स है, ये रिलीजियस टूरिज्म भी बढ़ सकता है, मेडिकल टूरिज्म बढ़ सकता है। आज यहाँ दुनिया भर के अच्छे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं तो हम यहाँ पे वो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, बिजनेस टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, एजुकेशन टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। ये हर फील्ड के लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम मिलेगा और हर एक का फायदा होगा, इससे कई स्टूडेंट्स का फायदा होगा। पंचक्की का रास्ता है, यहाँ पर मॉन्यूमेंट लगा हुआ है पंचक्की, बारिश के नाम पे ब्रिज के ऊपर देखो पानी हुआ है, वो गेट में से ट्रैफिक जाने को एक एक घंटा लग रहा है।
कौन सा टूरिस्ट यहाँ पे, आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को क्या बताएंगे आप? ये आपकी मार्केटिंग है, ये आपकी सुविधा है। यहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर कई पेशेंट मर के वापस उधर से घूम के आते हैं, क्या करेंगे भाई? एक पैरेलल एक ब्रिज बनाने के लिए कि जो फंड है आप इमीडिएट क्यों नहीं करते? कई सालों से चल रहा है वो, दरवाजे को फिर से फ्रेम लगा के उसको टिका टेका देकर रख रहे। सेफ्टी है ना, सिक्योरिटी है कोई चीज की? तो ये यहाँ के डिपार्टमेंट्स को, कॉरपोरेशन हो, बीएनसी हो, पीडब्ल्यू, हमारे यहाँ पे खासदार आए इतने, आमदार आए इतने, इनकी निधि में से बनाते थे। निधियां कहाँ गई, निधियों के क्या काम हुए, वो भी तक दिखने में नहीं आते। आखिर जहां पे कंस्ट्रक्टिव वर्किंग होना चाहिए वो वहां पे तो भी लगना चाहिए, तो नजर में आएगा। और ये इसको कोई देखता ना, कोई पूछता है, हर एक चुप है, तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, ये कब तक चुपी रहेगी? आज आपको जो डेवलपमेंट और जो काम की जरूरत है वो ये है, जिससे आप और आपका शहर एक अमन से अच्छे जिंदगी गुजार सकता है, और आपकी सेफ्टी रहेगी, आप अच्छे से काम कर सकेंगे। आप गाड़ी पे कहीं एक्सीडेंट में उड़ जाएंगे तो आप 15 दिन महीना दवाखाने में पड़े रहेंगे। तो ये सारी चीजों का जो नुकसान हम उठा रहे हैं, इसलिए हम हमेशा बैकवर्ड कहला रहे। थोड़ा सा अगर हम इसकी थोड़ी फिनिशिंग और कटिंग में आएंगे और थोड़े यहाँ के अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे तो आने वाला भविष्य हमारी आने वाली जनरेशन का अच्छा हो। क्या आज ये मीडिया के थ्रू आप लोगों को मैं एक मुद्दा भी दे रहा हूं कि आप लोग इसके पीछे जरा फिक्र से लगे रहे। जब तक आपको ये एरिया को सुधारना है तो आपके पास सबसे रेडी अगर कोई चीज का सलूशन आ सकता है तो वो है टूरिज्म, द बेस्ट इंडस्ट्री टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, द बेस्ट इंडस्ट्री टू गिव जॉब्स टू मेनी एजुकेटेड यूथ्स एंड मेनी शॉप ओनर्स, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल वीविंग जो था हमारा, पैठनी साड़ीज है, हिमरू मशरू है, अलग अलग जो भी यहाँ का बिदरी वर्क का वो चलता था, हैंडीक्राफ्ट्स के हमारे पास यहाँ बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इसको माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज का SSI यूनिट के ऊपर गवर्नमेंट स्कीम्स में प्रमोट करना चाहिए। कलाग्राम बना वो बंद हो गया, यहाँ जो भी ऐसी प्रोग्रामिंग होती है बाद में बहुत जल्दी प्राइवेटाइज करके ये अपने जिम्मेदारी से बाहर। हेरिटेज इंडिया में अगर आपको देखेंगे तो उसको हम इस तरीके से कभी भी मुगल हिंदू ये हिसाब से नहीं होता है। टूरिज्म जो है सर्व धर्म संभव वाला हिसाब है। इस तरीके से अजंता एलोरा इंडिया में आप तो बीबी का मुकबरा नजर नहीं आता। मैं बता रहा हूँ ये पूरा रीजन ही बैकवर्ड में निगलेक्टेड है। आज यहाँ पर आपके पास में एंशियंट टेम्पल्स भी पुराने हैं। गोबा ये बेगमपुरा में जाइए, वहां का मंदिर देखिए, खड़गेश्वर का मंदिर देखिए, कई सारे यहाँ पे 400 साल पुराने मंदिर है, मछली खड़क का ये भी पुराना एंशियंट मंदिर है, और इसको जागीर लिखी के बीच में कोई ऐसी फैक्टर्स आना नहीं चाहिए। हेरिटेज हमारा कलेक्टिव है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है यहाँ हर थोड़े किलोमीटर पे यहाँ की भाषा चेंज होती है, यहाँ के कपड़ों पहनने का रख रखाव चेंज होता है, खाने की फूड हैबिट चेंज होती है, भाषा चेंज होती है, इसीलिए तो इसको बोला जाता है इनक्रेडिबल इंडिया, जो दुनिया भर में कोई भी देश में नजर नहीं आएगा। किसी भी देश में जाएंगे आपको तो वहां की एक ही भाषा नजर आएंगे और वहां का एक ही ट्रेडिशन और एक ही कल्चर में लोग नजर आते हैं, पर आज यहाँ पर मल्टी कल्चर वो है, मल्टी रिलीजन है, मल्टी फेथ है और मल्टी फूड हैबिट्स, हर चीज कलरफुल नजर आए। आरक के साथ साथ मैं तो आपको और भी एक उसमें एडिशन दूंगा कि आज सिटी में जितने भी जगह कॉन्क्रीट रोड्स का काम चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को इतना फेवर क्यों किया जा रहा है मेरे समझ में नहीं आता है कि भाई आपके रोड आपने रोड ग्राउंड लेवल से ऊपर उठा दिए और अभी बारिश के बाद वो पानी का ड्रेन सिस्टम का कोई प्लानिंग नहीं है और रोड के बाजू की जो एजेस है उसमें से कई लोगों के एक्सीडेंट हो गए, गिर रहे हैं फैमिलीज के। अब ये लोअर मिडिल क्लास और क्लास के लोग होते हैं जो टू व्हीलरों पे जाते बेचारे, अब इनके रोड के बाजू से सडन कट है और गड्ढा है, कई लेडीज गिर जाती है, फैमिली के छोटे बच्चे लेके स्कूल को जाने आने वाले लोग रोडों पे गिर के पड़े हुए। तो कॉरपोरेशन ने ऐसे जो जो काम हुए हैं इस पे ध्यान देके रोड के एजेस को पहले फिलिंग करे, उसके अतराफ से फुटपाथ बनाए प्रॉपर और इसको सही तरीके से देखना है, उसके बाद में ही पेमेंट्स करना चाहिए, वरना ये मिसयूज ऑफ फंड्स है। और वाटर लेवल और ग्राउंड लेवल का अगर आप देखेंगे तो हर जगह पानी तमते तमते कई सारे बीमारियों की शुरुआत हो रही है, मस्किटो ब्रीडिंग वहाँ शुरू हो रही है,
और जिसके वजह से डेंगू और मलेरिया ऐसे बीमारियों की शुरुआत होके कई गरीब बीमारियों का शिकार बन रहे। हम वही तो बोल रहे हैं, जब से आप के G20 हुआ, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर भी दुनिया भर का फंड आया गया का, और जो एक्सपेंडिचर हुआ वो दिखने में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या। तो इसके ऊपर आज सवाल उठाने की जरूरत है और इसके पीछे रिव्यू करने की जरूरत है कि जो जो गलतियां हुई है उसको फिर से प्लानिंग के टाइम पे प्रॉपर वो देके उसका प्लानिंग करेक्शन करना चाहिए और न्यू प्लानिंग करके उसके न्यू स्टार्ट करें। और अभी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से भी कि अगर आपने नाम चेंज किया बड़ा अच्छा किया, मगर आप इस शहर को उसके उस नाम का जो आप इज्जत करते हैं तो उसके हिसाब से इसको डेवलप भी तो करो। पहले तो एक नाम आपने दिया तो बहुत अच्छा, उसके साथ आपने शहर की तरफ जो निग्लेक्टेड टाइम है वो निग्लिजेंस से हटके जरा डेवलपमेंट की तरफ लाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ के रोड्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, कनेक्टिविटी का होना चाहिए, फंड्स होना चाहिए, और जो यहाँ का हेरिटेज पूरा डिलेबिलेटेड है उसको वापस से रिस्टोर करना चाहिए। इतना बड़ा खिलियारा का वो महल है वो गिरते पड़ा हुआ है। इससे पहले मैंने सुनील चौहान साहब को बताया था, सुनील चौहान साहब ने मेरे को वादा किया था कि हम इसके लिए स्पेशल फंड्स ला के इसको हम प्रिजर्व करेंगे। आज तक वहाँ पे कुछ भी नहीं है, उल्टा वहाँ के दरवाजे खिड़कियां लोग ले जाके जला। तान्या नारंग है और आज मैं औरंगाबाद में हूँ जो कि जाना जाता है अजंता इनक्लेव के लिए, इलोरा केव्स के लिए, बीबी की मकबरा के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। एंड आप देख रहे हैं औरंगाबाद तक जो कि बहुत ही तेज चैनल है, फटाफट से औरंगाबाद की सारी खबरें देता है और हमें सिल्वर बटन भी मिला है मैंने सुना है, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट औरंगाबाद तक। और देखते रहिए ये चैनल, फटाफट से आपको खबरें मिलती रहेंगी। थैंक यू जी। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। औरंगाबाद में हैं और आप सब देख रहे हैं औरंगाबाद तक। देखते रहे, नाम न बदल जाए जब तक। कह नहीं सकते कब नाम बदल दे यार, इतना खूबसूरत नाम है औरंगाबाद। हमारी तीन पीढ़ियों से यही बोलते आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं हम भी यही बोले हैं, हमारे बच्चे भी यही बोले, तो आप देखें औरंगाबाद तक। थैंक यू भाईजान। थैंक यू जी। अरे वाह।